नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आजकल हमारी सियासत जो है वो इंतहाई दिलचस्प हो गई है। हर लीडर जो है, मैं इसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी और अब अपोजिशन है, या जो अब अपोजिशन है और पिछली गवर्नमेंट थी, उस उन सब को की कोई तशवीश नहीं कर रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा कि मैं शुरू यहीं से करता हूँ, ताकि माजी में मेरी आदत नहीं है, माजी में कोशिश करता हूँ, माजी को बहुत ज़्यादा माजी में ना जाओ, जिक्र ज़रूर कर दूँ अगर ज़रूरत है रेफरेंस में। इमरान खान अक्सर कहते रहते हैं कि मैं अब के आऊँगा और हुकूमत को का पूरा घेराव कर दूँगा, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करूँगा, उसके बाद हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत जो है वो नहीं रह सकती। और उसके अलावा वो ऐसे ऐसे अलकाब और आदात से इनको, जो हमारे इन सब मौजूदा हुक्मरान हैं उनको, या लीडर्स हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातों के, वो करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनका नाम लेके पुकारते हैं कि वो, मतलब ये कि एक आम आदमी जो है वो लेते हुए मुनासिब नहीं समझता, वो समझता है कि ये अल्फाज नहीं है और कोई तरीके से भी, कोई सियासी तरीके से भी इस बात को किया जाए। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे यहाँ गालम गलोच, लोगों को बुरा भला कहना, लोगों के नाम रखना और बड़ी हद तक लोगों की तहकीर करना, ये एक हमारी सियासत का एक वतीरा बन चुकी है, हमारा हिस्सा बन चुकी है। और जब तक कि ये ना हो तो हम समझते हैं कि शायद ये कोई बड़ा लीडर नहीं है। बड़ा लीडर होने का मतलब ही है कि वो लोगों को इन तमाम इस किस्म के, यानी ये जो मैंने आपसे अर्थ किया ना, धर्म गलोच हो, चाहे उसको धमकियाँ देता हो, चाहे वो उनको इल्ज़ाम देता हो, चाहे उनको नाम पुकारता हो, ये बल्कि अफसोस दुख ये भी होता है कि कई दफ़ा तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे वो अहले दानिश या वो अहले इल्म भी अदा करने लगते हैं, जिनसे ये कतन उम्मीद नहीं की जाती, वो भी बड़े चीख चीख के बोलते हैं, वो बड़े पुरजोश अंदाज में कहते हैं और इस तरह के, यानी वो समझते हैं कि ये कोई दानिश्वरी का, एक ज़माने में जिनके लहजे धीमे होते थे, तरीके से वो तारीख बताया करते थे, आजकल वो बाकायदा एक खन गरज के साथ हर कहते हैं ये कौन है, वो कौन है, इसकी क्या औकात है, उसकी क्या औकात है, वो क्या कर लेगा अगर वो आ गया तो, फलाना क्या है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज जो है ये हमारी बड़ी आम। तो मैं बहरहाल बता रहा था कि जैसे अभी हाल ही में वाक़या हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको रेफर किया कि वो जो 26 मार्च वाला या वाक़या था, वो उसमें इमरान खान ने कहा था मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं आऊँगा, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल भी हुए, फिर वो हंगामा भी हुआ, फिर आपने देखा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा वो मामला चला, उसके बाद वो जैसा कि पाकिस्तान में तरीक़ाकार है वो टाइट टाइम फिश हो गया, अभी तक ये नहीं पता चला कि कोई उसका कोई नतीजा भी निकला। वो इतने सारे जो हज़ारों की तादाद में जलाए गए, और उसके अलावा जो एक्शन लिया पुलिस ने, वो किस खुशी में लिया था, वो क्या था क्या नहीं था, वो सब कुछ भी नहीं पता चला। वो लोग ख़त्म हो गया, वो टॉक शो ख़त्म हो गए, वो सोशल मीडिया के ऊपर जोश व खरोश ख़त्म हो गया, वो बड़े बड़े तबसर निगार तजिया निगार जो थे वो सब कुछ भूल गए और वो सारा ख़त्म हो गया। और ये हमारा एक आम सा वतीरा है, यही हमारा तौर तरीका भी है। इसी तरह वो अब भी, यानी चूँकि हमने आपको बताया था, एक तसलसल जारी है गुज़िश्ता 5 माह से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं बड़े जोशीले आदमी हैं, बड़े तौर तरीके से बड़ा अच्छी, जैसे आप ये कहिए कि एक वो शख्सियत हैं जो कि पूरे क्राउड को गिरफ्तार कर लेते हैं, बड़े बड़े क्राउड्स को एड्रेस करते हैं और वो लोग उनको सुनते हैं बड़े गौर से। तो वो उसके अंदर वो जो है वो हमेशा ये बताते हैं कि मैं उस तारीख को ये कर लूँगा, अब के नहीं छोड़ूंगा, अब के आऊँगा तो आऊँगा, अगर इस्लामाबाद तो जाऊँगा नहीं, और जाऊँगा तो हुकूमत को गिरा के जाऊँगा, इनके दिन पूरे हो चुके हैं। और फिर उसके अलावा वो और जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो किसी और से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर वो जो लोग शेयर करते हैं उसमें देख लीजिएगा, या आप खुद देख भी चुके होंगे, सारी चीज़ें आपके इल्म में भी हैं, ये कोई एक बात नहीं है। वो ये बात भी गुज़िश्ता 5 महीने से वो तकरीबन एक ही बात दोहरा रहे हैं बार बार, कभी उसका और कभी, लेकिन वो करते ये भी करते हैं कि वो हम जिसे जिसे कहते हैं ना यू टर्न ले लेते हैं,
एक ज़माने में हम ये कहा करते थे कि वो अपनी बात पे फिर गए, और इसके लिए मैं कोई लफ्ज़ एक और इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, लेकिन बड़े लीडर हैं इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आम आदमी होता तो मैं कहता कि वो ये क्या झूठ बोल रहा है, या ये कि उसने अपने जो बात कही थी वो उससे फिर गया है, लेकिन वो अपनी बात से वो जब फिरते हैं या वो गलत कहते हैं कि गलत बयानी है ये, तो वो उसको हम ये बड़े हमारे एंकर हमारे अहले दानिश हमारे टॉक शोज के माहिरीन वो कहते हैं उन्होंने यू टर्न लिया, अखबारात में आता है उन्होंने एक और यू टर्न लिया। तो ये एक हमारे यहाँ नई इस्तिलाह ऐड हो गई है कि अपनी बात कहकर फिर जाना, जिसे हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता था, बल्कि हर माशरे में बुरा समझा जाता था, क्योंकि एक बात आप कहती हैं और आप लीडर भी बहुत बड़े हो और फिर आप फिर भी जाएँ तो उसे कोई अच्छा तो नहीं कह सकता, चाहे वो कोई भी हो। इसे कतई नज़र कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ साबिक वज़ीर आज़म का, अगर कोई और दूसरा लीडर है चाहे वो नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो या चाहे वो अगर वो अपनी बात से बढ़ता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। अलावा इसके कि वाकई में वो किसी ख़ास हिकमत अमली का हिस्सा है और उसका पूरा जवाब मौजूद होना चाहिए कि वो क्यों उन्होंने इस किस्म की बात कही और उसके बाद क्यों, क्या कोई लचक दिखाई उन्होंने। लचक दिखाना कोई और चीज़ होती है, डिप्लोमेसी कोई और बात होती है, हिकमत अमली के ज़रिए लचक दिखाकर कोई मुज़ाकरात की तरफ जाना बात हुई होती, लेकिन ये कि साफ आज कहना ये मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा, कल कहना नहीं मैं तो नहीं करूँगा मैंने तो ऐसे ही कह रहा था मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, आज कहना कि जी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा मैं उसके साथ ये कर दूँगा मैं उसके साथ वो करूँगा, कर दूँगा जी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इसका माजर था हूँ क्योंकि मेरा कतई ये मकसद नहीं था, आप कह रहे हैं सब लोगों के सामने और फिर आप ये कह रहे हैं कि मेरा मकसद नहीं था। आप एक तो बात तो इस बात पर फ़ख्र कर रहे हैं कि हज़ारों लाखों लोग इसे सुन रहे हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं ये, तो वो सारे लोग जो है वो आपके गवाह हैं या किस बात के गवाह हैं, इस बात के कि आपने वो बात जो कही थी वो गलत थी, या इस बात के गवाह हैं कि अब जो बात कह रहे हैं वो बात जो है वो ठीक है, कौन दोनों में से कौन सी वाली बात सही है। तो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि फिर हम ये भी करते हैं कि हम कभी असेंबलियों से इस्तीफे दे रहे होते हैं, कभी हम कहते हैं कि जी हम जब तक के ये हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर हम हज़ारों लाखों की तादाद में हमेशा हज़ारों तो हमारा होता ही नहीं है फिक्र, लाखों और करोड़ों तक की अब तो बात आ गई, पूरा पाकिस्तान चल पड़ेगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये भी हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये कहते हैं, पिछली हुकूमत भी ये कहते थे कि जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा लॉन्ग मार्च होगा जो कि देखा नहीं होगा, और वो मेरा ख्याल है वो ये लॉन्ग मार्च का तो पता ही होगा कि ये माओ ज़ेदुंग ने की थी चीन के अंदर, और उसका नतीजा ये निकला था कि वो कम्युनिस्ट हुकूमत उन्होंने नाफिज करके और बिल्कुल एक इनकलाब ले आए थे चीन के अंदर, और उस इनकलाब का तसलसल जो है आज 75 साल के बाद भी जारी है। लेकिन हमारे जो लॉन्ग मार्च हैं, हमारी जो बातें हैं कि जी इस्तीफ़ा देकर हम असेंबलियों से फारिग हो जाएंगे, हमारी जो बातें होती हैं कि हम हमारे लीडरों की हमारी से मिलाते हैं हमारे लीडरों की जो हमारे सियासी रहनुमाओं की जो बातें हैं, और ये जो धमकियाँ होती हैं ये किसको धमकी दे रहे होते हैं, ऑपोजिशन को धमकी दे रहे होते हैं या किसी ख़ास उनका कोई टारगेट होता है, कुछ लोग कहते हैं इदारे होते हैं उनको दे रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे होते हैं, तो ये उनको दे रहे होते हैं या ये कि वो हुकूमत को दे रहे होते हैं या वो लोगों को दे रहे होते हैं। देखो लोगों से मुशावर जाऊँ अब के मैं ये करके छोड़ूंगा और मैं ये हो इसके लिए मैं हर किस्म का वो कर दूंगा, और बड़ा मतलब उसमें एक एलिमेंट ये भी होता है खौफ का कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ये कर दें तो इसमें कोई यकीनी बात है जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई हल्ला बोलते हैं या ये कि इवन आप एहतजाज भी करते हैं तो आपने देखा है एहतजाज के अंदर भी जानों का दया भी हो सकता है, जानों का दया ना हो तो इमलाक का दया हो जाता है, इमलाक का दया के साथ साथ और ज़ख्मी हो जाते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो कोई हो सकता है उन लीडरों के ऊपर तो कोई खतरा पड़ता हो लेकिन जिन लोगों के वो प्यारे जाते हैं उस कॉज के लिए जिसका वो इतना शोर मचाते हैं जब पूरी भी नहीं होती और वो फिर ये कह के आ जाते हैं कि नहीं जी इस बार हमने मुल्की मफाद के अंदर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एक लफ्ज़ ईजाद हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो इस इन द लार्जर इंटरेस्ट के अंदर वो सब चीज़ों के ऊपर से बात करते फिर जाते हैं, बकौल शख्स यू टर्न ले लेते हैं वापस अपने घरों पे चले जाते हैं, फिर कहते हैं अब हमें क्या नहीं देते हैं क्योंकि अब इस वक्त हालात इस बात की जाती है। तो लोग आग बजाने में ये पूछने पर
कि भाई पहले से क्यों नहीं आराम से सुकून से बैठते। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसका कि बार बार हर लीडर ये पाकिस्तान में कहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, और जो वो फरमा गए उसी को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई भी फैसला करने से पहले आप 100 बार उस पर गौर करें, लेकिन जब कोई फैसला कर लें तो उस पर डट जाएंगे।